हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आप सभी का स्वागत है सेमसीक्यू बेस सीरीज में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज के हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टैटिक और करंट बेस्ड होते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर 15 नवंबर 2018। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन, साथ ही साथ उसके आंसर्स, आप यहाँ से अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना स्कोर भी जान सकते हैं कि आपको कितना स्कोर आ रहा है या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, कोट ऑफ द डे कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू मे लीड, इफ यू लूज यू मे गाइड। ये बहुत ही प्यारा कोट है जो कि स्वामी विवेकानंद जी का कोट है। तो फ्रेंड्स, ये काफी मतलब रियलिटी से भी कनेक्ट करता है। रिस्क लेना तो बनता है, इफ यू विन यू मे लीड एंड इफ यू लूज यू मे गाइड, ये बहुत ही ट्रू है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो लोग मतलब कामयाब हैं वो हमेशा लीड कर रहे हैं, और जो लोग नहीं पा पाते कामयाबी अपनी फील्ड में तो वो गाइड कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, नोएडा, यूपी। सो लेटेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में काफी जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया, और साथ ही साथ पहला कार्गो वाराणसी में रिसीव किया गया जो कि हल्दिया से आया था वाटरवेज के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि वाटरवेज जो बना है, जो फर्स्ट पहला नेशनल वाटरवे है, फर्स्ट नेशनल वाटरवे, वो प्रयाग से हल्दिया तक का है। ओके, और इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन हैं जहाँ पे जो कार्गो है वो ड्रॉप होते होते तक यह वाराणसी में रिसीव किया गया। ठीक है, तो इंडियन वाटरवे वर्क्स कहाँ, किसके अंडर में वर्क करता है? वो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के जो मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी। और रिसेंटली एक मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी शुभारंभ किया गया रामनगर में, जो कि है यूपी में। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरी बातें थी इंडियन वाटरवे अथॉरिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टिंकरिंग लैब्स यंग चैंपियंस अवार्ड 2018 वाज गिवन बाय। रिसेंटली हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब युवा चैंपियनशिप पुरस्कार 2018 किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एम प्लस यूनिसेफ। ओके फ्रेंड्स, एम का फुल फॉर्म होता है अटल इनोवेशन मिशन, प्लस यूनिसेफ का यहाँ पे ये लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, और यूनिसेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के लिए वो है प्रियंका चोपड़ा। ओके फ्रेंड्स, तो हाल ही में ये अवार्ड इन दोनों संस्थान के मेल के द्वारा दिया गया। और ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं और जो इनोवेशन लेड जैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको काफ़ी बढ़ाता है और काफ़ी बूस्ट करता है भारत के अंदर। ओके फ्रेंड्स, चाहे वो रिसर्च हो, छोटी छोटी रिसर्च हो, छोटे छोटे इनोवेशंस हो, उसको प्रोत्साहन देता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज APIX इन सिंगापुर। APIX इज रिलेटेड टू, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में APEX का उद्घाटन किया, ये किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये बैंकिंग से संबंधित है, क्योंकि जो मोदी जी हैं उन्होंने इस एप्लीकेशन को जो लॉन्च किया है वो ये एप्लीकेशन ही डील करता है कि जो कई देश ऐसे भी हैं, उसके अंतर्गत 23 देश आते हैं जहां पर बैंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, यानी फाइनेंशियल जो इंक्लूजन होता है, जैसे कि भारत में किया था जनधन मोबाइल के थ्रू और आधार के थ्रू। ठीक है, आधार से बैंक को लिंक किया, फिर बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए, उसी प्रकार ये जो बैंकिंग सेक्टर है या बैंकिंग को मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की इस एप्लीकेशन या इस इंटरफेस में बात कही जा रही है। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर, और सिंगापुर बेसिकली 3 आइलैंड से मिलके बनता है, और जो बड़ा वाला आइलैंड है जिसे सिंगापुर कहा जाता है, मेजर आइलैंड है, उसे पुलाव उंजुंग कहा जाता है, और करेंसी है यहाँ पर सिंगापुर डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैंडलूम हट्स वॉज इनॉग्रेटेड इन लोहतक लेक के किनारे किनारे ये बनाए गए हैं। ठीक है, इट विल इम्प्रूव सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वीवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वीवर्स हैं किस टाइप के, जिनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इस हैंडलूम के द्वारा। तो फ्रेंड, जैसे कि हैंडलूम ये आप देख रहे हैं, ये वाटर हैंडलूम हट है, तो ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा, साथ ही साथ जो
फुमदिस नाम की जो ट्राइब है जो लोहतक लेक के किनारे या लोहतक लेक के आसपास या मणिपुर में पाई जाती हैं, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सेंस कि ये जो विजिटर्स हैं या जो टूरिस्ट हैं ये यहाँ विजिट करेंगे, ये यहाँ रुकेंगे, तो उससे इनको मनी मिलेगी, मनी मिलेगी, मनी इन द सेंस उनकी अर्निंग होगी, और ये उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज करेगा, ठीक है, या वे ऑफ लाइफ इंक्रीज मान लीजिए, या उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मान लीजिए, या फिर उन्हें एक संसाधन प्रोवाइड करेगा ताकि वो जीवन यापन और बेहतर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ रिसेप मीटिंग वॉज रिसेंटली कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो फ्रेंड्स, ये रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है, ठीक है, तो ये हाल ही में हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर, और यहाँ पे भारत से जो भारत के मंत्री हैं सुरेश प्रभु, उन्होंने शिरकत की थी। तो फ्रेंड्स, ये जो रिसेप होता है RCEP, ये बेसिकली आसियान के जो 10 नेशंस हैं प्लस 6 और नेशंस जिसमें कि भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और रशिया, ठीक है, इसमें ये हैं 6 ये हो गए और 10 ये हो गए। तो फ्रेंड्स, ये मैप के माध्यम से मैं जो आसियान की 10 कंट्री हैं वो आपको बता देता हूँ। एक है बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, 5 ही हो गई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी एंड फिलीपींस, 1 2 3 4, एंड आपको यहाँ पे कितनी हो गई है, 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस और आप इंडोनेशिया, सॉरी इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स है वो 1 2 3 4 और इंडोनेशिया, तो ये 5 और 5 10, 10 कंट्री जो आसियान में होती है वो ये है, और जो 6 कंट्री है वो है। तो ये इन दोनों के बीच का एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये इन 16 देशों के बीच में, ओके, आसियान के 10 और 6 ये अलग कंट्रीज, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट, एक रिसेंटली एक ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट को होस्ट किया गया या होस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP के द्वारा। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड है फिल्म, म्यूजिक एंड गेमिंग से। बेसिकली यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, DIPP के द्वारा, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ठीक है, और वो इसे प्रमोट करने की बात कहेंगे या नए नए इनोवेशंस या नए नए आइडियाज इससे रिलेटेड लाएंगे, ताकि इसका जो मतलब इसका जो चलन है या फिर इसका जो अवेयरनेस है या इसका जो बूस्ट है वो और ज़्यादा हो सके, सारे स्टेक होल्डर्स के आइडियाज को कोलैबोरेट करके या इस इनोवेटिव आइडियाज को एक पटल पर रख के इसको बढ़ाने की बात कही जा रही है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DV सदानंद गौड़ा और नरेंद्र सिंह तोमर असाइंड विथ न्यू पोर्टफोलियोज, आइडेंटिफाई द पोर्टफोलियोज। सो रिसेंटली जैसे आपको पता है कि आनंद कुमार जी की जो डेथ हो गई है, ठीक है, आज से 2 3 दिन पहले, तो फ्रेंड्स वो पहले केमिकल फर्टिलाइजर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उनका जो पोर्टफोलियो है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वाला पोर्टफोलियो है वो DV सदानंद गौड़ा जी को दे दिया गया है, और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स वाला पोर्टफोलियो है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी को दे दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस SK सेठ अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स। सो हाल ही में SK सेठ को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो ये जो शपथ है वो MP की जो गवर्नर है आनंदी बेन पाटिल ने उनको शपथ दिलाई, ओके फ्रेंड्स। तो रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हो गया, इनका अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ कि जो हेमंत गुप्ता थे पहले यहाँ के चीफ जस्टिस, उनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है या अपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेटा रिपोजिटरी, ओके, इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड जो नेशनल डेटा रिपोजिटरी है ये बेसिकली रिलेटेड है हाइड्रोकार्बन से। तो ये तो सबसे पहले हुआ, इसका आंसर है किससे रिलेटेड। अब इसके अंदर के थोड़ी से फैक्ट्स, तो फ्रेंड जो पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस, जो नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया, कहाँ पे, दुबई में, ओके, दुबई में एक वो प्रोग्राम के थ्रू जिसका नाम है DG कार्बन रोड शो प्रोग्राम के तहत इसका इनॉग्रेशन या इसका उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार का जियो साइंटिफिक डेटा ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है,
ठीक है, ये फ्यूचर में जितने भी एक्सप्लोरेशंस होंगे ना हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, ये उसके तहत एक डेटा रिपोजिटरी बनाई जा रही है कि आप एक्सप्लोरेशन उस पर्टिकुलर एरिया में करें, ना कि हर पूरे एरिया को आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड होगा और जो फ्यूचर में लाइसेंस वगैरह दिए जाएंगे उस एरिया से रिलेटेड, तो एक्सप्लोरेशन उस पर्टिकुलर एरिया में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पूरा प्रोग्राम है या फिर जो रिपोजिटरी है, ये फंड की जा रही है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा। ठीक है, और ये इंडिया ने एक लीग ऑफ नेशंस, मतलब लीग ऑफ नेशन है जैसे यूके और नॉर्वे, उसमें अपनी शिरकत कर ली है इस रिपोजिटरी को लॉन्च करने के बाद। यानी अब यूके, नॉर्वे और भी जो अन्य कंट्रीज है उनके बाद भारत का नाम भी लिया जाएगा इस रिपोजिटरी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया समुद्र शक्ति हैज बीन कंडक्टेड। ठीक है, और इंडिया की तरफ से किसने शिरकत की थी? इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में द्विपक्षीय नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति की गई, और भारत द्वारा प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है INS राणा। तो भारत की तरफ से INS राणा ने शिरकत की, यानी अपनी मौजूदगी उपस्थित कराई। ठीक है, और इंडोनेशिया की तरफ से भी उनका जो INS था, वो नेवल शिप था, वो था आया था। और ये एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है जहाँ पर जो समुद्र से रिलेटेड जो, मतलब आप कह लीजिए रेस्क्यू ऑपरेशंस हो या फिर वॉर के समय जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके बीच में, या वो दोनों तकनीकों पे इस एक्सरसाइज में काम किया जाता है। और साथ ही साथ मॉक ड्रिल्स भी किए जाते हैं, ठीक है, ड्रिल्स भी किए जाते हैं ताकि जो इमरजेंसी हो उस समय सब लोग प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस के लिए ये ड्रिल्स किए जाते हैं, एक्सरसाइज दो देशों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन फॉर है ये, सॉरी फॉर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष योगा एंड नेट्रोपैथी वॉज लेड इन। तो फ्रेंड्स, ये लेट किया गया धरगल गोवा में। ठीक है, गोवा में ये लेट किया गया। और फ्रेंड्स, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो वहाँ पे वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जितनी भी हिल्स होंगी, ठीक है, वहाँ से जड़ी बूटियाँ और ये सब ला के फिर आयुष से रिलेटेड जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिंस वगैरह बनती हैं उसे प्रोत्साहन देने के लिए इसे गोवा धरलिंग में इस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है। और इसमें 100 beds, ठीक है फ्रेंड्स, और काफ़ी नई नई योजनाएं और नई नई इनोवेटिव मशीनरीज वगैरह, ताकि जो मेडिसिन है उसे जल्द से जल्द प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो ये ओपन किया जाएगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टू डे थर्ड एनुअल मीट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल काउंसिल बिगिंस इन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ग्लोबल काउंसिल हुई, ठीक है, जो कि थर्ड थी अपने आप में, तीसरी थी, और ये 2 दिन की थी। ये कहाँ पे हुई? ये हुई अबू धाबी UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली फोकस कर रही है, जो इसका जो थीम था वो था ग्लोबलाइजेशन 4 से रिलेटेड है, शेपिंग अ ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जैसा आप जानते होंगे कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सेकंड आया, थर्ड आया, अब जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ये इससे रिलेटेड है, यानी पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 5G हो गया, बिग डेटा हो गया, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। और भारत इसमें कहीं पीछे नहीं रहना चाहता है, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है, ठीक है, स्किल इंडिया डेवलपमेंट, और चाहे आप कौशल विकास देख लें, ठीक है, इस सबसे रिलेटेड है। तो और भारत में सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, तो भारत ये चाह रहा है कि जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में है वो इसमें नहीं पीछे हटना चाहता, और इसका पूर्ण लाभ भारत उठाना चाहता है इन सारे जो न्यू इनोवेशन है उसमें। तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड थी और ये दुबई में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसटी इंटरनेशनल अवार्डेड एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड टू विच इज अ ह्यूमन राइट अवार्ड टू डैश इन 2009 एंड रिसेंटली इन नवंबर 2018 आस्क फॉर इज रिमूवल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक विवेक अवार्ड दिया था 2009 में, और वो मानव अधिकार पुरस्कार है, और हाल ही में नवंबर में उसे हटाने के लिए कहा गया है, उसे हटाने की बात कही जा रही है। तो बेसिकली किसे दिया गया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया था आन सान सू की, जो कि म्यांमार की मिनिस्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन्हें, मतलब इनका जो एक वो हुआ था, क्या बोलते हैं, मतलब
मैं कुछ समय पहले इन्हें ये मतलब अपने ही देश में नजरबंद कर दिया गया था और ये अपने देश से ही बाहर नहीं जा पा रही थी। ठीक है, तो इन्होंने काफी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लड़ाई की और उसके बाद विजय हुई ये। ठीक है, अपने ही देश में इन्होंने विजय पाई, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उन्होंने फाइट करी। लेकिन जब से रोहिंग्यास का इशू आया है म्यांमार में और उस पे इनका जो स्टैंड था उसके खिलाफ काफी चर्चाएं और काफी मतलब क्रिटिसिज्म हुआ इनके स्टैंड से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, और इंटरनेशनल फोरम पे ये कहा भी गया कि आन सान सुकी जी ने कोई स्टैंड नहीं लिया जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ। रोहिंग्या जो मुसलमान होते हैं, मुसलमान है बेसिकली, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, उनके खिलाफ जितना भी अत्याचार किया गया, मतलब चाहे वो मिलिट्री के द्वारा हो, म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा हो या फिर वहां की सरकार के द्वारा हो, तो इनके खिलाफ जितना भी अत्याचार हुआ उसके बाद इन्हें 1% का भी रिलीफ वहां की सरकार द्वारा नहीं दिया गया और उस पे आन सान सू की जी भी चुप थी, इसलिए उनसे ये अवार्ड वापस लेने की बात कही जा रही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली साउथ इंडियन स्टेट्स हैव बीन अलर्टेड बाय साइक्लोनिक स्ट्रॉम। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉम का नाम बताना है, तो उस स्ट्रॉम का नाम है गजा। रिसेंटली गजा को, जैसे केरला हो गया, ओके फ्रेंड्स, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश के कुछ राज्य, आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज हो गए, ठीक है, पुदुचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे इस स्ट्रॉम को आने में समय लगेगा और इससे अलर्ट जारी कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, जो साइक्लोन होता है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो साइक्लोन बेसिकली ये बे ऑफ बंगाल से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ कहीं पे भारत में यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया होगा और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर होगा। तो जैसा आप जानते हैं कि एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पड़ती है, तो ये जो हाई प्रेशर है ये बेसिकली इस तरफ भागेगा। ठीक है, किस तरफ भागेगा, ये लो प्रेशर की तरफ भागेगा और ये इक्वेटर के ऊपर है, तो जो कोरियोलिस फोर्स होती है, ज्योग्राफी का टर्म है कोरियोलिस फोर्स, तो वो राइट डायरेक्शन में भगेगी। ठीक है, राइट डायरेक्शन में लगती है, तो ये साइक्लोन यहाँ से आके यहाँ केरला पे भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी अटैक कर सकता है। ठीक है, या बहुत सिवियर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हो सकते हैं स्ट्रॉम के। तो फ्रेंड्स, ये जो कोरियोलिस फोर्स है और ये क्या साइक्लोन कैसे बनता है, ये ज्योग्राफी के टर्म्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ज्योग्राफी के, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उसे डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्ल्ड एंटीबायोटिक वीक टू बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम डैश टू डैश। ओके, तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा 12 से 18 नवंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो वीक है ये 12 से 18 नवंबर सेलिब्रेट कर रहा है और उसका एम जो है वो अवेयरनेस जनरेट करना चाह रहा है एंटीबायोटिक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब भारत में जो परसेंटेज ऑफ एंटीबायोटिक्स कंजम्पशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर छोटा सा भी एक फीवर होता है या फिर एक कफ होता है या फिर छोटा सा भी एक दर्द होता है या पेन मान लीजिए, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं भारत में जो रिसाइड करते हैं सिटीजन्स, वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन बॉडी में इतना हो जाता है कि जब कोई मान लीजिए कोई सिवियर डिजीज होती है, ठीक है, और उससे रिलेटेड वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है उस डिजीज से रिलेटेड, तो वो काम नहीं करती जस्ट बिकॉज कि जो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है जिसको, जिसे फिर बहुत ज्यादा हैवी वैक्सीन या फिर उसका जो आप बोल दीजिए इलाज, वो काफी टफ हो जाता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो थेरेपीज होती है वो दी जाती हैं अलग अलग डिजीजेस में, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड है कि जो व्यक्ति है, जो सिटीजन है, उसे ये अवेयरनेस जनरेट की जाए या अवगत किया जाए कि वो इतना ज्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम ना करे, क्योंकि एक समय के बाद जो बॉडी होती है वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर वो कोई भी एंटीबायोटिक या दवा को रेजिस्ट नहीं कर पाती और जो वायरस होता है वो डेवलप होता जाता है और फर्दर ये ऑर्गन्स को वीक करता है और उससे ह्यूमन डेथ भी हो सकती है या डेथ भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ये प्रोग्राम या ये वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे 15 क्वेश्चन और ये हैं आपके 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन। सांथानम कमिटी इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ, यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन है उनका नाम बताना है आपको। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, उनका नाम बताना है। हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उनका नाम। हु इज द चेयरमैन ऑफ फिक्की,
उनका नाम, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत्स, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या लोकसभा के इलेक्शंस हो, या राज्यसभा के इलेक्शंस हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। मगर म्यूनसिपैलिटीज ऑफ पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका आपको नया नाम बताना है, या उस इंस्टीट्यूशन का आपको नाम बताना है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है करंट अफेयर्स फंडा का ऑफिशियल वेबसाइट, और जिनको भी मतलब जो भी स्टूडेंट्स पीडीएफ का डिमांड करते हैं वो वेबसाइट को विजिट करें, और डेली जीके अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप खुलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे और जहाँ से आप पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं अपने रिवीजन पर्पस के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा हमें, और अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छा अच्छा कंटेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि जेन्युइनली कॉपीड नहीं है फ्रेंड्स, ये बनाए हुए क्वेश्चन हैं, सेल्फ मेड क्वेश्चन हैं। ओके, तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा कॉमेंट करेंगे, आप कॉमेंट कीजिए अपनी जो डिमांड है कि आप और क्या एडअप कराना चाहते हैं वीडियोज़ में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एडअप कराना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो बाय एंड टेक केयर टिल वी मीट नेक्स्ट वीडियो टुमारो।